जंगल बचाओ आदिवासी बचाओ यात्रा का टांडा में स्वागत किया गया। धार जिले के टांडा में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 10 लाख आदिवासियों को उनकी जमीन से बेघर करने के आदेश के विरोध में मध्य प्रदेश जयस प्रवक्ता महेंद्र कनोज के नेतृत्व में जंगल बचाओ आदिवासी बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य आदिवासी लोगों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है जिसका आदिवासी पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। जंगल बचाओ आदिवासी के दौरान महेंद्र कनोज ने कहा कि सरकार संसद में अध्यादेश लाए तथा आदिवासियों को अपनी जमीन से दूर नहीं करे। यात्रा का टांडा में पेट्रोल पंप पर जयस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कनोज ने अपने संबोधन में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। जयस की इस आदिवासी बचाओ जंगल बचाओ यात्रा में जयस के मध्य प्रदेश प्रवक्ता व यात्रा संयोजक महेंद्र कनोज, जयस नारी शक्ति सीमा वास्कले, संगीता चौहान, संगीता बड़ोले, टांडा जयस कार्यकर्ता मोहन मोरी, संजय सिंह आदि लोग मौजूद थे। जी, आपकी यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? हमारी यात्रा का मूल उद्देश्य है जंगल बचाओ आदिवासी बचाओ यात्रा का मूल उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने का जो आदेश दिया था उसी आदेश के खिलाफ हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसने अभी उस आदेश पे रोक लगाई है, लेकिन हम इस यात्रा के माध्यम से इस यात्रा को हम रोकने वाले नहीं हैं। हमारी इस यात्रा से मांग और है माननीय सुप्रीम कोर्ट से और देश की सरकार से कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं, इस संसद में अध्यादेश चाहिए आदिवासियों की ज़मीनों को लेकर। इसलिए हम लोग ये यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे और आवश्यकता पड़ी तो पूरे देश में भी इस जंगल बचाओ आदिवासी बचाओ यात्रा को हम लेकर जाएंगे। यात्रा का राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है? इस यात्रा का राजनीतिकरण बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य शुद्ध रूप से सामाजिक है और इसीलिए हमारे समाज के लोग इस यात्रा को तन मन धन तीनों से सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ आप जनसल आप देख सकते हो, गांव-गांव में लोग हमारे लिए रात रात भर रात को देर रात तक जगे हुए हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि हमारे समाज का व्यक्ति भी हमारे साथ है और इस यह यात्रा राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर नहीं निकाली गई है, यह यात्रा सामाजिक उद्देश्यों को लेकर ही निकाली जा रही है। आगामी लोकसभा में आपका क्या रुख रहेगा? आगामी लोकसभा जो आ रही है, यहाँ की केंद्र में जो सरकार है अगर वो आदिवासियों की हक की बात करती है लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आदिवासियों ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आदिवासियों के अधिकार छीन रही थी तो आदिवासियों ने यहाँ पर भी उसको हटा दिया। अगर लोकसभा में इसी प्रकार से केंद्र सरकार रही करती रही आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार तो केंद्र से भी हम लोग सरकार बदलने का ताकत रखते हैं और हम ये करेंगे। आप अपने बल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे या किसी पार्टी के सहयोग से? अभी हम लोग चुनाव जो उतरने का है या नहीं है ये समाज तय करेगा। हम लोग तो अभी जन जागरूकता फैला रहे हैं। इस यात्रा का आपको पहले भी कहा है, इस यात्रा का उद्देश्य राजनीति नहीं है। हमारे समाज के लोग अगर तय करेंगे कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, हमारे समाज के लोगों के बोलने के बाद भी हम लोग मीडिया के सामने अपना स्टेटमेंट देते हैं। आपका नाम और दाई? महेंद्र कन्नौज, मध्य प्रदेश जयस प्रवक्ता, जंगल बचाओ आदिवासी बचाओ यात्रा संयोजक।